ए बी सी नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैं क्या राइट लिखता हूँ कि इंटीजर राइट 12 1 2 3 7। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए बी सी। तो ये क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर इंटीजर टाइप नंबर हमारा स्टोर है, राइट। अब इसको रन करूँगा तो क्या होगा, 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि वेरिएबल तो हमारा पता चल गया, इस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल में स्ट्रिंग भी कैसे स्टोर करते हैं। अगर मैं वेरिएबल में स्ट्रिंग कैसे स्टोर करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर स्ट्रिंग हम डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर राइट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ राहुल, ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ बी। तो ये क्या हो गया, मैं स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ जो कि डबल कोटेशन, ठीक है। और स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन में भी आ सकती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंगल और हेलो, ठीक है, एक सिंगल कोटेशन लगा देता हूँ। सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन स्ट्रिंग का डिफरेंस क्या है कि जब हम किसी बड़े स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, राइट, तो बड़े स्टेट डबल कोटेशन यूज़ करते हैं, और सिंगल कोट हमें बीच में कई बार यूज़ करने पड़ जाते हैं, इसलिए हम डबल कोटेशन यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट सी। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें रन करना है, और ये तीनों के तीनों प्रिंट हो चुके हैं डेटा टाइप, इंटीजर स्ट्रिंग एंड इट इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग, राइट। हमने वेरिएबल्स देख ली, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, हेलो, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है, बुलियन होते हैं, और स्ट्रिंग टाइप, राइट, और बाकी ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं जो कि हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, ठीक है, हेलो, या ओके। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स किसे कहते हैं, हेलो। सो लिटरल्स क्या होते हैं, जो स्ट्रिंग होता है, राइट, कि मैंने एक ए बी सी नाम का, ए बी नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, ठीक है, इन्हीं को हम लिटरल्स कहते हैं। कि लिटरल्स किस टाइप में हो सकते हैं, स्ट्रिंग में ही हो सकते हैं, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर हम देख रहे हैं, तो उसे हम लिटरल्स ही कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम लिटरल्स का एक मीनिंग देखते हैं, लिटरल्स का मतलब होता क्या है, राइट। सो आई विल सर्च अबाउट हियर लिटरल्स मीनिंग, इसका मतलब क्या है कि अ मिसप्रिंट ऑफ लेटर, राइट। कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी वर्ड या कैरेक्टर्स वगैरह राइट करूँ, तो वो एक लिटरेसी ही कहलाता है। जैसे हम शाब्दिक लिखा ना, यहाँ पे शाब्दिक, तो इट मीन्स अ लिटरल, राइट। कि जो स्ट्रिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग किसे कहते हैं, कि अदर लिटरल्स किसे कहते हैं, द वैल्यू वी राइट अ कन्वेंशन फ्रॉम हुज वैल्यू इज ऑब्वियस, राइट। तो वी राइट अ लिटरल्स इन, इट कैन बी अ स्ट्रिंग, इट कैन बी अ फ्लोट, इट कैन बी अ इंटीजर और अ नंबर, राइट, एंड इट कैन बी अ डबल। ओके, तो स्ट्रिंग हमारी क्या, जो लिटरल्स होते हैं क्या क्या रूप में हो सकते हैं, कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स में हो सकते हैं, और इंटीजर्स में भी हो सकते हैं, फ्लोट नंबर्स में भी हो सकते हैं, डबल्स में भी हो सकते हैं। ओके ओके, दैट यू हैव क्लियर अबाउट इट। सो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स है कि हम कॉस्ट कास्टिंग जानना चाहते हैं, कास्टिंग क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि हमारे ये इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, पाइथन के जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कास्टिंग वगैरह क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कास्टिंग किसे कहते हैं, इफ आई राइट अ वेरिएबल नेम ए एंड इट स्टोर्स अ वैल्यू ऑफ इंटीजर लाइक अ 23, राइट, सो आई विल प्रिंट इट हियर, सिंपली आई विल प्रिंट इट हियर अ नंबर, राइट। सो प्रिंट ए, सॉरी फॉर दैट, ए इन द पैरेंथेसिस, सो इट सिंपली प्रिंट अ इंटीजर। नाउ आई वांट टू प्रिंट अ 23 इन अ स्ट्रिंग फॉर्म, सो व्हाट आई डू, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टाइप कास्टिंग यूज करूँगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसका टाइप ऑफ जान देते हैं, ठीक है, कि हमें कैसे पता है कि जो 23 है ये इंटीजर है या नहीं है, राइट, इधर कौन सा नंबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं,
ये मैंने आपको बताया था कि ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, हमें बता चुका है इंटीजर टाइप का है, ओके ठीक है। नाउ मैं यह चाहता हूँ, टाइप कास्टिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग करते हैं तो कौन सा यूज कीवर्ड यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग, देखो टाइप कास्टिंग मतलब कि जो इंटीजर टाइप है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ दूसरे, नहीं, ये तो हमें पता चल गया कि वो किस टाइप का, बट आई वॉन्ट टू नो, बट हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा इंटीजर है, कि कौन सा फ्लोट है, क्या है, सब कुछ हमें पता चल गया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इस 23 इंटीजर को फ्लोट में लाऊँ, तो फ्लोट में कैसे लाऊँगा, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग, मतलब चेंज करना किसी दूसरे डेटा टाइप में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ इंटीजर है तो मैं इसको फ्लोट के अंदर लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, FLOAT फ्लोट एक मिनट स्पेस, और इसके अंदर जो जिसको मैं लाना चाहता हूँ उसका वेरिएबल का नाम, ठीक है, ओके ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट 23 लिखूँ, यहाँ पे इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ ए, अब सेव करूँगा, इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये 23.0 आ गया, जो कि इंटीजर था हमारा वेरिएबल, राइट। तो वी यूज अ टाइप कास्टिंग, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कि हम उसको किस में चेंज करना चाहते हैं सिर्फ वही लिखते हैं, राइट। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है, टाइप ऑफ या टाइप कास्टिंग, ऐसे कीवर्ड, इसमें केवल हमें उस जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके लिए लिखना पड़ता है। जैसे मैं प्रिंट यहाँ पे करना चाहता हूँ इसको स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं कैसे करूँगा, प्रिंट str, किसको str में करना चाहता हूँ, ए वेरिएबल, ए वेरिएबल जो हमारा ऑलरेडी 23 इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहा है उसको वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग में हो जाएगा। एक मिनट, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, सेव नहीं किया था, तो ये जो 23 दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। अब जैसे मैं 23 + 5 करूँ, ओके, तो अब सबका अलग अलग आउटपुट बताओ मुझे क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, बिल्कुल, सेकंड इसका क्या होगा, यस बिल्कुल, और फ्लोट का क्या होगा, बिल्कुल, और प्रिंट स्टार str, सॉरी, ए वेरिएबल का स्ट्रिंग कैसे होगा, नहीं, str ए का क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास एरर शो कर रहा है क्योंकि जो ए वेरिएबल के अंदर ऑपरेटर वगैरह यूज कर रहा है वो नहीं आ सकता, राइट। हाँ, तो हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं डबल कोटेशन में, ठीक है, नाउ इट कैन बी प्रिंटेड हियर, राइट। एक मिनट, ये फ्लॉट, अब ये फ्लॉट नहीं दे रहा क्योंकि फ्लॉट तो कर ही नहीं सकता, ओके, तो इस तरीके से आ गया कि 23 + 5 आ गया str के अंदर, राइट, इसको हमने स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट कर, तो ये था हमारा टाइप कास्टिंग, ओके, इसे ही कहते हैं टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग क्या होते हैं, हम स्ट्रिंग को बस ऐसे जानते हैं कि डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग आती है। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि स्ट्रिंग के मैथड्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं स्ट्रिंग्स लिखूंगा, सबसे पहले तो इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग, हेलो प्रिंट कर रहा हूँ, ओके, सो यहाँ पे प्रिंट हेलो हो जाएगा, ठीक है, ये डबल कोटेशन हो गई है। नाउ मैं इसको कुछ मेथड्स के थ्रू करना चाहता हूँ, अब मुझे आप बताओ कि इफ आई वॉन्ट टू नो, इफ आई वॉन्ट कि यहाँ पे 1 by 1 लाइन आए, ऐसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं सपोज ए वेरिएबल बनाया, इसके अंदर लॉरेम इप्सम आ जाए, सपोज मैं कोई पैराग्राफ उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसका कोई भी पैराग्राफ यहाँ से मैं उठा हूँ, मैं रैंडमली ये पैराग्राफ दे रहा हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ, तो यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है ना, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन के अंदर
अलग अलग लाइंस के अंदर यहाँ पे प्रिंट किया है, बट हम यहाँ पे डबल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए मल्टीपल लाइंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थ्री सिंगल कॉट यूज़ करते हैं। थ्री सिंगल कॉट मैंने आपको बताया था, 1 2 3, राइट। एंड और मुझे इसको ओपन भी किया है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो आई कैन क्लोज इट हियर 2 3। अब क्या होगा, ये पहली लाइन में तो ये प्रिंट होगा, दूसरी लाइन में हमारी ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ओके, तो सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको प्रिंट अभी तक किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर किया है, तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट हो गया। तो व्हाट इज द लिटरल एज यूज इन उप, सो यहाँ पे आ रहा है ना कि पहली लाइन में तो ये प्रिंट हुआ है, दूसरी लाइन में ये हुआ है, और इसी की ये जगह ये अगर मैं मल्टीपल लाइन प्रिंट करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोटेशन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रिपल कोटेशन मतलब हाँ मतलब कि एक तरीके से थ्री सिंगल कॉट्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये सिंगल कॉट्स है ना, और कितने यूज कर रहा हूँ, तीन यूज कर रहा हूँ, थ्री सिंगल कॉट्स कहते हैं इनको, ठीक है, जो कि ऐसे यूज करते हैं। इसको ओपन किया है तो कहीं ना कहीं एड पे करना पड़ेगा, तो इस तरीके से यहाँ ऐड किया है, तो मैं मल्टीपल साइन करना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग को एक मान लो स्ट्रिंग हमारी काफ़ी टाइप है, एज अ डेटा टाइप्स हमारी एरे के अंदर स्टोर हो रही है, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि काफ़ी एक लिखा है एरे, एरे के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हेलो दे, राइट। सो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ मैं फर्स्ट एंड ऑफ इंडेक्सिंग। तो मैंने आपको एरे बताया था कि ऐसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो ए वेरिएबल है हेलो देयर जहाँ लिखा है, उसके इंडेक्सिंग के अंदर जीरोथ इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको बताया था एरे हमारे जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होता है। नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट ओनली अ फर्स्ट इंडेक्स, तो क्या प्रिंट होगा, ओनली एच, कैसे होगा, मैंने यहाँ पर वन लिखा है, अन्य वन लिखा है, आप ध्यान से देखो एच कैसे, नहीं नहीं आपको ये चीज़ है ए इक्वल टू हेलो देयर, और प्रिंट करना चाहता हूँ ये वेरिएबल का फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं एरे की इंडेक्सिंग करना, मतलब कि स्ट्रिंग के अंदर एरे की इंडेक्सिंग करना, वो भी पोजिशंस में कि फर्स्ट पोजिशन कौन सा होता है हमारा, जीरो से स्टार्ट होता है। ओके ओके, तो ये था एरे थ्रू इंडेक्स, राइट, स्ट्रिंग्स या एरे जो कह सकते हैं, वेरिएशन मिटा सकते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, हाँ हाँ नहीं नहीं एरे स्ट्रिंग अलग अलग है, एरे के अंदर क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करते हैं, राइट। बट एरे पाइथन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि मैंने बताया था कि एरे को एज लिस्ट को हम एरे मानते हैं, ये बताया था ना मैंने आपको, बस वही चीज़ है। ओके, तो स्ट्रिंग तो हमारा डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन सिंपल जो कैरेक्टर्स आपका नाम लिख लो वही चीज़ आ गई, उसको मैं थ्रू एरे करना चाहता हूँ, थ्रू एरे के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स को, तो इस तरीके से करूँगा। ओके, नाउ मैं देखना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर लूप कैसे लगाते हैं, ठीक है, लूप थ्रू स्ट्रिंग, सॉरी STRING, लूप थ्रू ए स्ट्रिंग, यार ये क्या हो गया। ओके, तो ये कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो फॉर, हाँ हाँ फॉर, हाँ किस में, हाँ हाँ व्हाट इज डिटेल्स, इसके अंदर इंडेक्सिंग करते हैं हम, जीरो से फर्स्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये काफी बड़ा है स्टेटमेंट, तो इसके अंदर माइनस करेंगे तो कौन सा हमें गिनना पड़ेगा। ओके ओके, सो मैं इसको करके देखो, तो वही चीज होगा, ऐसे तो फिफ्थ इंडेक्सिंग जो होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा आई,
अब ऐसे गिनते रह जाओ, जीरो से स्टार्ट होता है, मैंने क्या बताया था आपको, जीरो से यहाँ से स्टार्ट होता है, और जो माइनस इंडेक्सिंग होती है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, वो पीछे से स्टार्ट होती है, तो पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं आप इंडेक्सिंग के थ्रू? अच्छा, आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि 5 to 0, राइट? हाँ, इस तरीके से वो प्रिंट, मैंने आपको इंडेक्सिंग बताया था ना कि हाँ, कि 5 से 0 1 2, हाँ ये कॉलन देना पड़ता है कि 0 1 2 3 4, फिफ्थ इंडेक्सिंग यहाँ पे स्पेस होगा शायद, पता ना, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल स्पेस है क्या? फिफ्थ इंडेक्स पे आई प्रिंट होगा और उसके बाद जीरो इंडेक्स आएगा, तो जितनी इसकी लेंथ होगी ना उसमें -1 कर देगा, ये मैंने आपको बताया था। क्लियर आपको ये चीज़ की इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? और बाकी मैं आज अभी लूप बता रहा हूँ आपको, 4x इन रेंज, व्हाट शुड बी आई रेंज, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि रेंज यहाँ पे जो मैं बनाना चाहता हूँ, स्ट्रिंग का नाम दे दूँगा, राइट? मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम एप्पल कर देता हूँ, ओके, और इसके प्रिंट करना चाहता हूँ मैं एक्स। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक्स एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर एप्पल के नाम के रेंज यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्योंकि फॉर लूप लगा रहे हैं तो हमें कोलन देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि इंडेंटेशन का भी यूज करना पड़ेगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। फोर एक्स इन, अब हमें रेंज भी तो क्या चाहिए, रेंज तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो 4x इन स्ट्रिंग का नाम दिया और स्ट्रिंग के अंदर AWL इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट? तो इसी को कहते हैं लूप थ्रू अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट वी विल, अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की हमें लेंथ पता करनी हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं। बिल्कुल सही, LEN वाला यूज करते हैं कि मैं यहाँ पे इसकी लेंथ करना कर लेंथ पता करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा LEN लेंथ ऑफ ए, राइट? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे इसकी लेंथ पता हो जाएगी, और वो लेंथ क्या करेगा, हमारी स्पेस भी जो होता है वो भी काउंट होता है, ये आपको पता है ना, मैंने बताया था। तो इट ऑल्सो आर रिटर्न आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा ये चीज हो गया, स्ट्रिंग चेक करना हो कि क्या इसके अंदर, अब यहाँ पे हम एक चीज चेक कर रहे हैं, ये मैंने स्ट्रिंग बनाई थी, ओके, कि मैं चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्या फोर जो ये लिखा है ये प्रेजेंट है कि नहीं, ये चेक करना चाहता हूँ, काफी बड़ा स्टेटमेंट है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ किस तरीके से, कि प्रिंट, आई मीन टू चेक प्रिंट और फोर, राइट? फोर चेक करना चाहता हूँ इन, वेरिएबल का नाम क्या है, ए वेरिएबल का नाम है, ठीक है, शिफ्ट आ दबाऊंगा तो ये ट्रू और फोर्स हमें रिटर्न करेगा कि अगर है, जैसे यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एफ ओ लिखूँ और फिर रन करता हूँ तो ये फॉल्स रिटर्न। अच्छा, एफ ओ भी कहीं है क्या? अच्छा, एफ ओ भी है ही ना, फोर के अंदर ही एफ ओ तो है। मैं इस तरीके से यहाँ पे डी प्रिंट करता हूँ, आई थिंक ये भी डी भी कहीं प्रिंट ही कर रहा है, डेटा वही डी प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए मुझे फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये कोई ऐसा स्ट्रिंग है ही नहीं आई वेरिएबल के अंदर, राइट? ओके, तो इतना क्लियर है कि हम स्ट्रिंग के अंदर चेक भी कैसे कर सकते हैं, ये लगा के कि सबसे पहले तो स्ट्रिंग का नाम दो और इन कीवर्ड यूज करो, उसके बाद वेरिएबल का नाम दे दो कि अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा बूलियन में और नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। इसको चेक करने के लिए हम एक और चीज लगा सकते हैं, इफ स्टेटमेंट, राइट? इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि अगर इफ स्टेटमेंट कि स्ट्रिंग हमारी वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है तो प्रिंट कर दो, राइट? ये भी कर सकते हैं नाउ कि इफ अगर हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, अब हम ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट? मैं वर्बली बता देता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइन, ओके, कंपैरिजन, बिटवाइज ऑपरेटर, तो मैं बिल्कुल, तो ये प्लस माइनस ये सारे अर्थमेटिक, तो इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है।
तो ये सब काम होते हैं, और जो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई ना, इसी को स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है, कि 5 to 0 से हम यहाँ पे, इसको हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। इसको और भी आगे इन फ्यूचर देखेंगे कि स्लाइसिंग और कैसे कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव इंडेक्स हमारे पाइथन के अंदर होता है जो कि स्ट्रिंग का पीछे से स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, तो ऑपरेटर अपन को समझ में आ गया ना, कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए प्लस बी, तो ये क्या होगा, या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बिल्कुल, या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, तो ये भी हमें 12 ला के देगा, राइट। इस तरीके से ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिफिकल और मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट, और बिटवाइज ऑपरेटर। तो इन सबको वन बाय वन देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर अपन देखते रहेंगे, ठीक है, क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर अपन कर ही रहे हैं, कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को यहाँ पे जैसे ए इक्वल टू लिखता हूँ, आई विल राइट इट हियर इक्वल टू 20, तो मैं क्या कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, राइट, कि असाइनमेंट में असाइन कर रहे हैं क्या, इक्वल टू इंटीजर टाइप 20 इन अ वेरिएबल ए, राइट। तो इसी को इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। माइनस इक्वल टू और डिवाइड इक्वल टू, तो ये सब असाइनमेंट्स ऑपरेटर, ठीक है। तो ये रहे यहाँ पे, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बता रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। इसको चेकअप करना कि ये तो सारा हमने देख लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम इक्वल इक्वल टू लगाते हैं, और ये रहे कंपैरिजन, हाँ, और नॉट इक्वल टू वगैरह वगैरह, जो भी लेस देन ग्रेटर देन साइन अगर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर एंड और नॉट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये जो थे, ये हमने देखे थे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर, है कि कंडीशन एक से ज़्यादा है तो हम एंड और नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, राइट। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर तो बता रहा हूँ, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, राइट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। फिर अभी हम देख लेते हैं इफ एल्स कंडीशंस कौन कौन सी यूज होती है। इफ एल्स कंडीशंस कौन सी होती है, कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स है, राइट, कि पहली कंडीशन चेक करो, उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करो, फिर तीसरी, अगर वो सही है तो प्रिंट कर दो। ऐसा कि एक वेरिएबल दिया बी नाम से, ए सॉरी वेरिएबल नाम दिया ए, और उसके अंदर 33 इंस्टॉल करा दिया, ठीक है। फिर बी दिया 54, तो मैं क्या चाहता हूँ, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो क्या करो, यहाँ पे कोलन लगाना मत भूलना, या मैंने कोलन लगाया, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो क्या प्रिंट कर दो, बी इज ग्रेटर देन ए। और एलिफ, अगर ये भी कंडीशन मैच नहीं आ रहा तो क्या करो, कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये प्रिंट कर दो, और इन दोनों में से कुछ नहीं है, ये दोनों इक्वल टू है तो कर दो, बोथ आर इक्वल। एल्स में हम एल्स पार्ट के अंदर कोई कंडीशन यूज नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। एलिफ और इफ कंडीशन के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, राइट, कंडीशन देते हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, दोनों के अंदर मैंने दे रखा है और उनको प्रिंट कर रखा है, ठीक है। इतना सा है एल्स इफ और इफ एल्स कंडीशंस, समझ में आया आपको। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, ये इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे हैं। एक होता है शॉर्ट हैंड इफ, शॉर्ट हैंड इफ क्या होता है, कि इफ में एक बार में ही प्रिंट कर दो, ये जैसे एक लाइन के अंदर ही हम प्रिंट कर दें, तो वो होता है शॉर्ट हैंड इफ, राइट। इफ ए इज लेस देन बी, इट्स लेस देन, राइट, इट्स लेस देन बी, और वो तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ये सिर्फ एक लाइन, इट मीन्स राइटिंग अ कोड इन अ वन लाइन, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। फिर आता है नेस्टेड इफ, कि इफ के अंदर एक और इफ दे दें, राइट, कि अगर कंडीशन के अंदर एक छोटी कंडीशन और दे दें तो उसको भी हम इफ नेस्टेड इफ कहते हैं। क्लियर आपको। ओके, नाउ वी विल सी अ लूप्स। लूप्स किसे कहते हैं, लूप्स किसे कहते हैं, हाँ, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक लूप चलाना, हाँ, या तो हम आइट्रेट रिपीटेड मेथड को फॉलो करते हैं, और या आइट्रेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आइट्रेट, अभी मैंने जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपको मैंने बताया था कि फॉर लूप कैसे यूज होता है, वैसे ही यहाँ पे इंटीजर्स में, नंबर्स के अंदर फॉर लूप इस तरीके से यूज होता है, कि हम रेंज दे देते हैं यहाँ पे 4x इन रेंज, और यहाँ पे जो रेंज दे रखी है वो ये दे रखी है 233। इसका मतलब क्या है, कि सपोर्टिव इंडेक्स हमारा फर्स्ट स्टार्ट होगा 2 से, स्टॉप होगा 30 पे, और कितने का मल्टीपल होगा, 3 का। ये मैंने आपको बताया था ना, डिफरेंस 3 का होगा, और इनिशियलाइज 2 से होगा, और 3 का डिफरेंस होगा, कि 2 से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले 2 प्रिंट होगा, उसके बाद अगर 3 का डिफरेंस हो तो क्या प्रिंट होगा अगला,
पांच प्रिंट होगा, राइट, तीन का डिफरेंस आ रहा है, फिर हाँ या फिर एट होगा, फिर आठ, 11 प्रिंट होगा, इस तरीके से, इस तरीके से 30 तक ये प्रिंट होगा। ये कहते हैं हमारे रेंज कि हमने जहाँ पे 4x इन रेंज दे दिया, राइट, तो इसी को हम फॉर लूप कहते हैं। सिंपल, हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, फॉर लूप लगाने के बाद ऐसे देते हैं, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, फिर इसके अंदर कंडीशंस यूज करते हैं, राइट। तो वो चीज़ हमें पाइथन इतना ईजी होता है कि हमें इतना कुछ लिखना ही नहीं रहता, सिर्फ इंग्लिश बेस के ऊपर हमें कोड रन करके दे देता है, राइट। ये फॉर लूप था। व्हाइल लूप क्या होता है? बिल्कुल, व्हाइल लूप भी होता है, लेकिन व्हाइल लूप के अंदर क्या करते हैं, इनिशियलाइज हम फर्स्ट करते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, राइट, और उसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद हम उसको आगे व्हाइल लूप लगाते हैं कि हाँ अब आप व्हाइल लूप दो कि 6 तक प्रिंट कर दो, और क्या करो, प्रिंट करोगे आई को, और इसमें मैंने एक इफ कंडीशन लगा रखी है कि अगर आई इक्वल टू 3 पर आ जाए तो आप कंटिन्यू कर दो, राइट, कि 3 भी आए ना तो 3 तो प्रिंट नहीं होगा, 1 से लेके 2 तक प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट नहीं होगा, फिर 4 से स्टार्ट होगा, 3 से हमने कंटिन्यू किया है ना, तो इस तरीके से प्रिंट होगा। और यहाँ पे मैंने +1 कंडीशन बाद में दी है, ठीक है। व्हाइल लूप में इनिशियलाइज पहले करते हैं, फिर कहाँ तक रेंज देते हैं, फिर जो प्लस प्लस ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट, हम उसे इंक्रीमेंट कहते हैं या डिक्रीमेंट कहते हैं, इंक्रीमेंट जो कर रहे हैं वो बाद में सबसे लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाइल लूप है, इसको एक बार चेकआउट कर लेना। ब्रेक स्टेटमेंट भी मैंने आपको व्हाइल लूप के अंदर अभी बता दिया है कि ब्रेक कब लगाते हैं, ये रहा, कि अगर 3 आ जाए तो ब्रेक लगा दो, और 3 यहाँ पे 3 आ जाए तो कंटिन्यू कर दो, राइट, कि ब्रेक और कंटिन्यू हम दोनों ही व्हाइल लूप और स्विच केस स्टेटमेंट जो कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, नहीं, स्विच केस में भी व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल में भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आइट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है उसकी जगह हम ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो हमने देख लिया है, और फिर और क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिस्ट होता है। लिस्ट मैंने आपको बताया था कि लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना लिस्ट था कि लिस्ट के लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले टॉपिक अपना लिस्ट, टपल, ये सब था, डिक्शनरी वगैरह था। लिस्ट सबसे पहले बताया था कि इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, वो कि लिस्ट होता है, राइट, ओके। और इसके कुछ मेथड्स हैं जो कि मैंने आपको बताए थे, ये हम कल एक बार फिर से पूरा का पूरा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी रिवाइज करेंगे, राइट, और फिर फंक्शन वगैरह देखेंगे। तो बाकी आपका रिवीजन सारा हो चुका है, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि अपने क्लासेस रहेगी, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, टपल्स, जो भी है, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आगे करें। ओके, तो थैंक यू सो मच।